हे गाइस, कैसे हो? सो आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज जो आपने थंबनेल देख लिया हो, आज हम करने वाले कुछ इस टाइप का सॉफ्ट ब्लू टोन फॉरवर्डिंग, वो बहुत कम स्टेप में आपको मैं सिखाने वाला हूँ, वो बहुत आसान तरीके से गई। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको फुल वॉच कर लेना है इस टाइप का कलर टोन फॉरवर्डिंग करने के लिए। और हमारा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, इस टाइप का कलर टोन फॉरवर्डिंग मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलते हैं फिर फोन की स्क्रीन के बिना टाइम वेस्ट एंड वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आपको लाइट रूम में फोटो ओपन करने के बाद कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड टेम्परेचर की वैल्यू रखनी है +25 एंड नेक्स्ट ऑप्शन जाना है टीन टीन के जो वैल्यू रखें -10 एंड नेक्स्ट ऑप्शन जाना है वाइब्रेंस वाइब्रेंस की जो वैल्यू हम रखने वाले हैं गाइज +58 एंड के इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में ऊपर की साइड क्लिक कर लेना है एंड गाइस आपको ऑरेंज कलर जो सेलेक्ट कर लेना है फेस के लिए होता है एंड इसकी सेशन को माइनस करके गाइस आपको 6 कर लेनी है अपने फोटो के हिसाब से एंड लुमियंस की जो वैल्यू रखूंगा +32। हमारा कलर रिमूव हो चुका है फेस से एंड गाइस आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है, सेशन को -100 एंड ग्रीन टूल्स लेना है, सेशन को -100। सो गाइस, आप देख ही सकते हो आपका फोटो के अंदर कुछ इस टाइप का ब्लैक सा टोन आ जाएगा बिफोर एंड आफ्टर। डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड गाइस ऊपर की साइड आपको कलर ग्रेडिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके आगे आना है। ये यहाँ से हमको आगे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, मिड टोन्स माना है, मिड टोन्स की जो वैल्यू रखेंगे गाइस यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे एंड इसकी जो वैल्यू रखने वाले हैं 290 एंड गाइस नेक्स्ट ऑप्शन सैचुरेशन जो उसकी सैचुरेशन को रखनी है +56 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है लुमिनेंस लुमिनेंस की वैल्यू -8 एंड ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग की जो वैल्यू रखनी है +65 एंड नेक्स्ट ऑप्शन आना है आपको गाइस इसके बाद बैलेंस बैलेंस की जो वैल्यू रखनी है +36 एंड इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस को पहले हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है अब बताता हूँ गाइस आपको, आपको स्क्रॉल डाउन करके आगे आना है एंड हाईलाइट वाले ऑप्शन माना है एंड के जो हाईलाइट की जो वैल्यू रखेंगे +227 एंड नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जाना है सैचुरेशन सैचुरेशन की जो वैल्यू रखनी है गाइस आपको +65 एंड गाइस आप देख ही सकते हो हमारे फोर्ड के अंदर सॉफ्ट अप ब्लू टोन आ गया है गाइस। सॉफ्ट ब्लू टोन कितना ऑसम लग रहा है गाइस, आपको करने का यहाँ पे पहले इसको देख सकते हो आप बिफोर एंड आफ्टर। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गाइस आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले टूल्स पे क्लिक करना है एंड गाइस की क्लियरिटी की जो वैल्यू रखनी है +35 क्लियरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन जाना है डेसीज इसकी रखता हूँ 14 एंड गाइस विग्नेट विग्नेट को माइनस करके मैं 32 कर लेता हूँ। आप अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो विग्नेट को, मैं 32 करता हूँ एंड गाइस के बाद आ रहे हैं मिड पॉइंट मिड पॉइंट्स को मैं माइनस करके 22 कर लेता हूँ एंड गाइस फेदर फेदर की जो वैल्यू रखूँ +95 एंड गाइस इतना वर्क कंप्लीट होने के बाद डार्क सा इफेक्ट आ चुका है हमारे फोर्डे के अंदर आप देख सकते हो। आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जो शार्पनेस की हम वैल्यू रखेंगे गाइस +25 एंड नेक्स्ट ऑप्शन जाना है नॉइज रिडक्शन इसकी जो वैल्यू होंगे +35 जिससे हमारा फेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा 35 एंड गाइस इसके बाद आए कलर नॉइज रिडक्शन में इसकी जो वैल्यू होंगे +15 जिससे हमारे बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह ना आए गाइस एंड गाइस इतना कंप्लीट करने के बाद आपको लाइट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाइट्स पे क्लिक करना है एंड गाइस की जो कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू मैं रखने वाला हूँ -9 एंड हाईलाइट की जो मैं -39 एंड गाइस के बाद आना है ब्लैक में ब्लैक की जो वैल्यू रखेंगे -11। सो फाइनली गाइस हमारा
फोटो बनके रेडी हो चुका है गाइस। आप देख सकते हो हमारा कलर टोन रेडी हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर। कितनी आसान और बहुत कम स्टेप में आपके भाई ने सॉफ्ट ब्लू टोन फॉरवर्डिंग आपको करना सिखा रहे हैं। इस टाइप का कलर टोन फॉरवर्डिंग करने के लिए चैनल को हमारे कर लेना है आपको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर लेना है ऑल पेज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस नहीं, टेक केयर एंड गुड बाय।